डेंगू में फायदेमंद हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ। डेंगू में शरीर की ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और ऐसे में तेजी से बुखार आना और पेट में दर्द होना एक सामान्य लक्षण हो सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक उपचार ऐसी दवाइयाँ जिन्हें घर पर बनाया जा सकता है और वे डेंगू में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ग्वालियर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र में डॉक्टर मंगल ने हमसे बात करते हुए बताया कि किस प्रकार से अपने घर में ही आप कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं और इन आयुर्वेदिक नुस्खों का उपयोग करते हुए अपने शरीर को डेंगू से पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। निश्चित, डेंगू हमारे यहाँ पर दंडक ज्वर के नाम से इसका नाम दिया है, आयुर्वेद में इसे दंडक ज्वर कहा है। और इसके लिए जैसा कि हम पिछले काफ़ी वर्षों से, आपने ध्यान भी दिया होगा कि पपीते के पत्ते का स्वरस, पपीते के पत्ते को पीस करके और उसका स्वरस बनाना और उसमें काली मिर्च मिला करके प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही जो प्लेटलेट्स की संख्या घटती है उसमें लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त रोगी को आशातीत लाभ डेंगू के लक्षणों में भी मिलता है, उसको बुखार भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ यदि आप सुदर्शन घनवटी, बिल्कुल एक आयुर्वेदिक औषधि, सामान्य औषधि है, आप इसका प्रयोग करते हैं तो दोनों ही चीज़ों में आपको एक आशातीत लाभ आपको अवश्य मिलेगा।